हमारे कमरे में बहुत आती है, क्या बात करती है वो तुमसे? वही बात करे जो तुझे पहले भी कई बार बता ली। करने दो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम उससे दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी बात मानी नहीं। संजना तू क्यों मेरा विश्वास नहीं कर रही? मैं आज अपने पिताजी से अलग रहकर जो काम कर रहा हूँ सब तेरे लिए ना। सब समझ रही हूँ मैं, तुम बस वैसा करो जैसा मैं कह रही हूँ। हाँ बस ऐसे ही करूंगा जैसे तू कह रही है। नौकर हूँ ना तेरा, तेरे बाप का नौकर, तेरी माँ का नौकर, तेरी बहन का नौकर, और तेरे उस नकली खसम का नौकर, तेरे सारे खानदान का नौकर। वो दूध गर्म कर दिया तुमने? दूध गर्म? आओ ना पापा, वहाँ कैसे खड़े हो? आज मैं इसे सबक सिखा कर ही छोड़ूंगा। तो बातें हो रही हैं, ठीक ही हो रही होंगी पापा। वो क्या? दूध की पूछने आई थी जी, दूध गर्म होया कि ना होया। तो यहाँ खड़े खड़े दूध चमक रहा है, बेवकूफ गधा गुबार कहीं का। आजकल तू ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा, नीचे देख कर रसोई में बर्तन साफ किए हैं तूने, और वो सफाई की है वो पोछा लगाया है, पूरे बंगले में देख कितने जाले पड़ गए हैं। जो काम तेरे करने के हैं वो तो काम तू कर नहीं रहा, और जो नहीं करने के हैं वो काम तू कर रहा है। क्यों करूं मैं कोई काम? मैं थारा नौकर हूं, मैं जिसका नौकर हूं उसका काम कर रहा हूं। देख ले संजना। इन दिस कंडीशन आई एम अनेबल टू। बेटा रोहित, गई पिंकी बड़ी जल्दी चली गई। जी पापा जी, वो तो बहुत जल्दी चली गई। बेटे रोहित, मैं तुझे 10-10 बढ़िया बढ़िया नौकर ला कर दूंगा, पर तू इस कुवार महेश को यहाँ से भगा दे। महेश को भगा दूं? हाँ। महेश को मैं कैसे भगा सकता हूँ, उसे तो सिर्फ संजना ही कुछ कह सकती है। हाँ संजना ही कह सकती है, पर नौकर तो वो तुम्हारा है। हाँ नौकर तो वो मेरा ही है, नौकर तो वो मेरा ही है, पर शादी के बाद अब मैंने सारे के सारे फैसले संजना पर छोड़ दिए हैं। रोहित बेटे, बेटे देखा तुमने आज महेश मुझसे किस बदतमीजी से पेश आ रहा था। वो तो ठीक है पापा, पर आपको भी उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हाँ, तू भी उसकी तरफदारी क्यों नहीं करेगी? बेटे तू इस गवाल महेश को यहाँ से भगा दे। क्या महेश को भगा दूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता पापा, महेश के बिना रहा ही नहीं जा सकता। हाँ ये महेश के बिना रह ही नहीं सकते। मैं पर ये फैसला तो इन्होंने तुझ पर छोड़ा है। तू 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 उसको यहाँ से भगा दे, मैं तुझे एक से बढ़िया एक नौकर लाकर दूंगा। तू तो जानती है मुझे इन गांव वालों से कितनी नफरत है। बेटी वैसे भी मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा है। वो बात तो ठीक है पापा, पर परवर छोड़ बेटी, आज पहली बार तुझसे तेरे बाप ने कुछ मांगा है, उसकी खुशी के लिए कुछ कर दे प्लीज बेटी। क्या सोच रही है बेटी? कुछ नहीं पापा, ठीक है आप मुझे 4-5 दिन का टाइम दीजिए, मैं कुछ करती हूँ। करेगा तो वही, पर बेटे तू उसे यहाँ से भगा दे। बाकी मैं कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा बाकी। ये ओफो। भी लग रहा है कि नहीं?
अरे तू क्यों लगा रहा झाड़ू? वो रामवती ना आई। वो ना आई मैं लगा दूंगा। ले बेटे तू दूध पी ले, ले रहन दे। मैं अपने आप कर लेता, तुम खामा का क्यों दुखी हो? ना ना तू घना ना उड़ जा रहा कर, इसमें थक जाएगा खामा का। वैसे ही लगा रहे तू हमेशा। मैं ले रामवती को बुला के, तू दूध पी। वह वैसे ही बहुत छुट्टी मारे। दीपक ताऊजी। राम राम। राम राम बेटे। तुझे महेश के बारे में पता है? ना ताऊजी, उसका नाम मुझे पता। तुझे नहीं पता? कहाँ गया? तू कुछ छुपा रहा लग रहा है मुझे, हैं? कुछ बिचड़ सी रहा तू। की रोटी खा खा कर शरीर खराब हो गया। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक छुपने की तो जगह ना मिल रही। तू भी एक्सरसाइज करता है बेटे? जी 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 डैडी जी। अच्छा जी। अच्छा ये बता, कल तूने घर पर बात की थी, घर पर सब ठीक है ना? जी सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है। अच्छा ये बता कि तेरे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? कहाँ बताया था तुमने? जी लंदन में। लंदन में? लंदन में? पर तू तो ये बता रहा था कि वो अमेरिका में रहते हैं। पहले अमेरिका में रहते थे, अब लंदन में आ गए हैं। अच्छा हा? उस दिन तो ये बता रहा था कि पहले लंदन में रहते हैं, अब अमेरिका में आ गए हैं। ये देखिए ना, ये लंदन, ये अमेरिका, ये अमेरिका, ये लंदन टू अमेरिका, ये अमेरिका टू लंदन, लंदन अमेरिका, अमेरिका लंदन, हो गया ना बस। तू ये बता तेरे मम्मी पापा करते क्या हैं? जी वो तांगे का काम करते हैं। तांगे का काम करते हैं? तो मम्मी पापा तांगा चलाते हैं तुम्हारे? नहीं 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 नहीं, मम्मी तो हाउस वाइफ है। अच्छा तो पापा चलाते हैं तांगा? चलाते नहीं है। अच्छा बनाते हैं? बनाते हैं। हाँ, एक्सपोर्ट करते हैं बड़े बड़े देशों को, जैसे घाना, कीनिया, सूडान, ऑस्ट्रिया, कैली फूफड़ा वगैरह वगैरह। कैली फूफड़ा? वो कैली फूफड़ा नहीं, कैली फूफड़ा नहीं, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया यूएस। कैलिफोर्निया? हाँ कैलिफूफड़ा। हाँ कैलिफोर्निया, कैलिफूफड़ा, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। कहाँ फंस गया इस अलझेड़े में? जीजा जी। बागपत, बड़ौत, कन्नड़, टटेसर वगैरह वगैरह। रुक गई। अच्छा कोई बात नहीं। ये क्या कह रहे हो आप? अरे मैं कुछ कहने लायक रह कहाँ गया हूँ? मतलब? मतलब छोड़, तू पूछ। तू क्या पूछने आई है? मैं पूछने नहीं खिलाने आई हूँ। टेस्ट करके देखो मम्मी ने कितनी अच्छी डिश बनाई है मेरे लिए। अमेजिंग। घर में रहकर लेडीज कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनाती हैं। पर मुझे तो इस तरह घर पे रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहती हूँ, बड़े काम करना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हर पर वो पार्टी कैसे हो सकती है? शादी हो चुकी है, अब लोग कहेंगे कि शादी पर तो बुलाया नहीं, और अब सबको शादी के बाद बुलाया जा रहा है। यही तो, पार्टी में तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि टाइम की शॉर्टेज के कारण हमने शादी जल्दबाजी में कर दी और अब पार्टी कर रहे हैं। पर लोग पूछेंगे शादी जल्दबाजी में क्यों की? तो कह देंगे जीजा जी को विदेश जाना था और फिर दूर दूर तक कोई मुहूर्त भी नहीं था, इसलिए जल्दी जल्दी मैनेज करके शादी अरेंज कर ली। हाँ तू कह तो ठीक रही है। इससे यही साबित होता है कि हमने समाज से छुप कर नहीं बल्कि जल्दबाजी में शादी कर ली। ऑफ कोर्स डैड, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ। तो ठीक है पार्टी हो जाए। हो जाए। तो ठीक है, मैं अपनी फ्रेंड्स को और लोगों को इनवाइट कर देती हूँ। ओके ओके। अरे ध्यान से राखिए, कभी मेरी आंख लग जा और बुड्ढा आके बकवाद करे। महेश आ गया बुड्ढा। ये क्या हो रहा है? तू कैसे दमाद जी के बिस्तर पर लेटा है? कुछ कुछ नहीं डैडी जी, कुछ नहीं।
मैं तो इस लेट ना सिखा रहा था इसे लेट देख सीख शाबाश सिखा रहा था। हाँ डैडी जी इसे लेटना में नहीं आता क्या? फंस गए। आता है ना पर गद्दे पर लेटना सिखा रहा था ना। हाँ वैसे हाँ तो ये बेचारा हाँ जी जमीन पर या चटाई बटाई पर सोता है ना इसलिए। रोहित बेटे घर में शादी की खुशी में पार्टी है। पार्टी? हाँ। पर पार्टी की क्या जरूरत है पापा? अरे बेटे मैं शादी की खुशी में तुझे गिफ्ट दे रहा हूँ। अच्छा बेटे चल खड़ा हो ले। संजना पार्टी किस बात की हो रही है? पार्टी पिंकी कह रही थी कि मेरी शादी जल्दी करने के कारण आज पापा पार्टी में सबको बुलाकर ये बताएंगे कि अगर तब शादी जल्दी ना की जाती तो फिर शादी लेट हो जाती और रोहित अमेरिका चले जाते। बस ये समझ लो कि अपनी शान को झूठी बातों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर छोड़ो ना ये बेकार की बातें, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने अच्छे कपड़े लाई हूँ। मुझे ना पहनने ये कपड़े। पहन के देखो बहुत अच्छे लगोगे। मतलब मैं तेरे ब्याह की पार्टी में सज धज के घूमूं? कैसे भी करके इस पार्टी की मना कर। महेश मजबूरी है, मैं मना भी तो नहीं कर सकती। तो यू कूड़ मगज बताओगा कुछ बहाना मने करने का? मैं क्या करूं, मैंने कहा क्या पार्टी करने के लिए? अब करने को ना कही तो मने करने को तो कह सके। संजना प्लीज समझा दो इसको। नाम ले रहा है, खुराक मांग रहा दिखे। दीदी है तेरी, दीदी कहकर दीदी। मेरी दीदी क्यों होगी? अच्छा और की है तेरी या पिटाई मांग रहा दिखे? आज मैं तुझे ही ठीक कर दूं। महेश ये क्या कर रहे हो? महेश क्या है, बटन बंद करना करना। पागल है, चल इधर आ, इधर आ, आ ना, आओ पिंकी आओ, इधर आ, आराम से देख टूट ना जाए। शाबाश शाबाश। वाओ जीजा जी, इन कपड़ों में तो आप और भी ज्यादा हैंडसम दिखोगे। क्यों नहीं क्यों नहीं, आखिर जीजा किसके हैं। अब तुम जाओ पिंकी, हम आ रहे हैं जी। हा? कोई एहसान नहीं है तुम्हारा। मैं कैसे मिल सकता हूँ इनसे? तो तुम्हारे जीजा जी मिलेंगे ना। है? मैं ही तो मिलूंगा। हाँ। नमस्कार नमस्कार, मैं रोहित। रोहित बेटे जी, डैडी जी चलो आपको अपने मेहमानों से मिलवाता हूँ। ये है हमारे दोस्त गोपाल जी। नमस्कार। रोहिणी में इनका बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का बिजनेस है। और गोपाल जी ये है हमारे दामाद रोहित जी, ये अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ये आनंद जी है, ये सानी साहब और ये पंकज जी। अरे नहीं नहीं संजना बेटी आओ, आपको अपने मेहमानों से मिलवाता हूँ। ये है गोपाल जी, इनके साथ हमारा बिजनेस का काम चलता है। और आनंद जी इनके साथ थी पंकज जी सानी साहब। ये कौन है? पीटर होगा? नहीं नहीं ये मेरे जीजा जी के नौकर। बड़ा स्मार्ट नौकर। महेश नजर नहीं आ रहा, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? महेश तुम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? पार्टी में चलो ना। मेरा मन ना कर रहा, मैं यही ठीक हूँ। देखो पार्टी में मेहमान आए हुए हैं और उनसे जाके पूछो उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं।
और वैसे भी यहाँ बैठे रहने से तो काम नहीं चलेगा ना। मेरे बस की ना काम वाम करना। तुम सीधी तरह से चलते हो या फिर मैं जीजा जी को बुलाऊं? अच्छी मुसीबत है। जीजा जी, हाँ? आज तो आपको एक गाना सुना दो। गाना और मैं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैंने तो आज तक जिंदगी में कभी कोई गाना नहीं गाया। जीजा जी, जब आप गाना गाओगे तभी तो गाना आएगा। अरे नहीं नहीं, समझना समझाओ ना इसे। पिंकी रहने दो, क्यों जिद कर रही हो? जब उनका मन नहीं है तो रहने दो ना। हाँ, रहने दो। आज गाना महेश गाएगा। महेश गाओ ना प्लीज। उसके हाथ में है जो मेरा वो हाथ नहीं है, सब कुछ वो हमारे पर कहने की बात नहीं। उसके हाथ में है जो मेरा वो हाथ नहीं है, सब कुछ वो हमारे पर कहने की बात नहीं। उसके हाथ में है जो मेरा वो हाथ नहीं है, सब कुछ वो हमारे पर कहने की बात नहीं, कहने की बात नहीं। भी ना रह सकता कह के भी ना कह पाऊंगा, ना रीत समझ में आएगी ना रिवाज निभा पाऊंगा, खामोश भी ना रह सकता कह के भी ना कह पाऊंगा। पल पल है मन में वो पल है मन में वो, इस पल में साथ नहीं है, सब कुछ वो हमारे पर कहने की बात नहीं, कहने की बात नहीं। उसके हाथ में है जो मेरा वो हाथ नहीं है, सब कुछ वो हमारे पर कहने की बात नहीं, कहने की बात नहीं। सब जान रहे पर रिश्ते से नादान है, अपने को ही टोक सकूं और तो सब अनजान है। ये रिश्ता तो सब जान रहे पर रिश्ते से नादान है, अपने को ही टोक सकूं और तो सब अनजान है। गलगरों के थिरक रहे गलगरों के थिरक रहे, समझे मेरे हालात नहीं है, सब
कुछ वो हमारे पर कहने की बात नहीं, कहने की बात नहीं। उसके हाथ में है जो मेरा वो हाथ नहीं, है सब कुछ वो हमारे पर कहने की बात नहीं, कहने की बात नहीं। महेश देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूं, खा लो। क्या बात है महेश, मैं तुम्हें पार्टी से देख रही हूँ, कुछ उदास से लग रहे हो। महेश बताओ तो सही, आखिर बात है क्या? देखो संजना, मैं गांव का एक सीधा साधा इंसान हूँ, इतना सब भी मैं तेरी वजह से कर रहा हूँ, वरना ये शहरी तौर तरीके मेरी बर्दाश्त के बाहर है। कोई गांव वाला ये देख ही नहीं सकता कि जिसकी गैल उसका ब्याह होना है वह किसी और की गैल नाचे, किसी और की गैल घूमे, और कोई दूसरा तेरी कमर में हाथ डाले। मैं ये सहन ही नहीं कर सकता, शायद तुझे इस बात का एहसास ही नहीं है। तुम बात को गलत नजरिए से ले रहे हो। नजरिए की क्या बात है इसमें, जब बात ही गलत है। महेश मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे, ये बात सिर्फ हम दोनों जानते हैं, लेकिन बाकी लोगों को तो रोहित और मेरी जोड़ी के बारे में पता है। ये मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन सॉरी बाबा, अगर तुम्हें गलत लगा तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। बस ध्यान ही रखिए संजना, वरना फिर मेरे ते मत कहिए। कहा ना ध्यान रखूंगी। हाँ, और ना पिट जाएगा वो किसी दिन मेरे पे, और घर वालों की समझ में भी ना आने का राग केता। अच्छा बाबा, अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अब तुम खाना खा लो, देखो ठंडा हो रहा है। ठीक है, मैं अब खाना खा लूंगा, जा तू कभी कोई आ जावे। तुम मुझसे गुस्सा हो? मैं तेरे तक गुस्सा हो सकूं कभी? अच्छा तो फिर चलो खाओ। हद हो गई हद, ओ उठ, हद हो गई हद। आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कमरा किसका है और कमरे में जाता कौन है, कमरे में होता कौन है और कमरे से निकलता कौन है? क्या हो गया, क्यों बड़बड़ा रहे हो? न खुद सोते हो न मुझे सोने देते हो, घड़ी देखो रात के 12 बज रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि रात के 12 बज रहे हैं, ये हो क्या रहा है? कोई आ रहा है कोई जा रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कुछ दिनों से इस घर में हो क्या रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो, खुद भी सो जाओ, मुझे भी सोने दो, सुबह बातें करेंगे। तुझे सोने की पड़ रही है, मैंने अभी अभी संजना को महेश के कमरे से निकलते हुए देखा है। क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो, कोई सपना देखा होगा? सपना नहीं, मैंने अपनी इन आँखों से देखा है, खुली हुई आँखों से। तो गई होगी किसी काम से, इसमें बड़बड़ाने की क्या बात है? रात को 12 बजे क्या काम हो सकता है? हो सकता है दामाद जी ने किसी काम से भेजा हो। उस दिन भी मैंने देखा था, वो महेश के कमरे में उसकी आँखों में आँखें डालकर बैठी हुई थी। हे भगवान, जिसकी खुद की आँखें कमजोर हैं वो दूसरों की आँखों की बातें कर रहे हैं, वो भी रात के 12 बजे। किसी के भी कमरे में पहुंच जाओ, अगर संजना है तो महेश जरूर मिलेगा, कभी वो उल्लू का पट्टा दामाद जी के बिस्तर पर लेटा होगा और कभी कुछ कर रहा होगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये महेश है कौन और ये संजना, संजना नहीं ये रोहित कौन है। तुम्हें समझ में आने के बिना है, बताओ जी कैसा बाप है, अपनी ब्याही भरी बेटी पर शक कर रहा है। मुझे लगता है टाइम से पहले ही सठिया गए हो। तू तो अपनी अपनी गाय जा रही है, मेरी बात समझने की कोशिश ना कर रही तू। मैं सब समझ गई हूँ, सुबह तुम्हें डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना है, बस। डॉक्टर के पास लेकर जाना है? पता नहीं कर बे, क्या करूँ। चल कर देखता हूँ कहीं संजना फिर तो नहीं गई महेश के कमरे में। रहता तो ऐसे है उल्लू का पट्टा जैसे नौकर ना होकर मेरा दामाद हो।
ये कैसी आवाज है? ये तो महेश के कमरे से आ रही है। हे भगवान, क्या करूं? दिख भी तो नहीं रहा कुछ। हे भगवान, ये हो क्या रहा है? ये कर क्या रहा है? की बात है बाबूजी, आप इतनी तड़की तड़क। ओए महेश, तू रोज इतनी सुबह सुबह ही वर्जिश करता है? हाँ जी, ये तो मेरा रोज का काम है। अच्छा, इतनी सुबह? हाँ बाबूजी। आज मौका है बुढ़े की नजरों में नंबर बनाने का। अरे बाबूजी, कसरत करने ते आदमी हष्ट-पुष्ट रहवे। हमारे गांव में सब करें, और हरियाली भी इतनी है, सब घूमन जावे। हरियाली में घूमने ते बुढ़ापा भी देर से आवे। अच्छा। और आप भी कसरत करो, आपकी जवानी वापिस लौट आओगी। मैं ना करता वर्जिश। बाबूजी आओ तो सही, देखो आप करो। अच्छा? आप करो, जवानी लौट आएगी। आप यूं करो, हाथ छोड़ कर लिया, यूं करो, यूं कर लिया, अब यूं करो, यूं करो, करो, यूं कर लिया। हाँ, अब यूं करो, यूं कर लिया। हाँ। बड़ा मजा आ रहा है। करो, यूं करो। हाँ, जल्दी जल्दी करो ना, जल्दी। हाँ, ये ले। हाँ, बेटा सांस। आप करो न्यू। हाँ, न्यू, 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 ये, न्यू, न्यू। हाँ, न्यू, 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 ये, न्यू, 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 न्यू। हाँ, ये ले। हाँ। कहाँ फंस गया इस अलझेड़े में? जीजा जी, बागपत, बड़ौत, कानड़, टटेसर वगैरह वगैरह। रुक गई। अच्छा, कोई बात नहीं। ये क्या कह रहे हो आप? अरे मैं कुछ कहने लायक रह कहाँ गया हूँ? मतलब? मतलब छोड़, तू पूछ। तू क्या पूछने आई है? मैं पूछने नहीं, खिलाने आई हूँ। टेस्ट करके देखो, मम्मी ने कितनी अच्छी डिश बनाई है मेरे लिए। अमेजिंग। घर में रहकर लेडीज कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनाती हैं। पर मुझे तो इस तरह घर पे रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहती हूँ, बड़े काम करना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हर लड़की को यह हक है कि वो लड़कों की तरह सामने आए। तुम और मेरी मम्मी बिल्कुल एक जैसा सोचते हो। मेरी मम्मी एक बहुत अच्छी बिजनेस वूमेन है। रियली? मम्मी भी? आंटी भी बिजनेस करती है? अरे वो तो बहुत आगे जा चुकी है। आज की डेट में वो एक बहुत बड़ी तुम नहाने के लिए बोल रहे थे ना, पानी तो भर भी गया है। हाँ, हाँ, मुझे नहाना था, मुझे नहाना था। मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। बच गए, बच गए। संजना है, बुढ़ा है। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं, कुछ नहीं।
वो गमला गिर गया था, तुम सो जाओ। अच्छा 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 अच्छा, सब ठीक है ना? उठ ले, बज गई 12, हो गया भूतों का टाइम, शुरू हो गया होगा कार्यक्रम। क्यों रोज रोज लाइट जलाकर तुम बड़बड़ाते रहते हो, ना मुझे सोने देते ना खुश होते हो। खूब सोले तू, खूब सोले, जब एक साथ तेरी नींद उड़ेगी तब पता चलेगा तुझे। लाइट बंद करो, सोने दो मुझे। सोने दो तुझे। आज हो के रहा है हुँ? आ गई तू, के खटर पटर थी अभी जो आवाज हुई, तन्ने करी बुड्ढे ने? वो मुझसे गमला गिर गया था महेश, लगता है पापा को हम पर शक हो गया है। ये तो मुझे भी लग रहा है। क्या करूं महेश, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे राड कट जागी, तू सबे सच सच बता दे, जब हमारे पे इतने दिन में कुछ नहीं हुआ, अब 2 दिन में कौन सी रियासत जीत लेंगे हम? मैं तो खुद इस नई मुसीबत से परेशान हूँ, एक समस्या सॉल्व नहीं होती कि दूसरी खड़ी हो जाती है। अब तू ही देख इस बात को, एक झूठ छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब समस्या को कैसे सुलझाया जाए। अरे सब समस्या सुलझ जाएगी, पर तू इस बुड्ढे को रोक ले, मेरा ससुरा जितनी बार भी मिले नई बात। महेश आलिया बुड्ढा, अब क्या करें? अब के करते, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ओढ़ चादर महेश। ओए महेश। हाँ जी। ये आवाज किस चीज की आई? ये तेरा भाई आज भी आया है? हे माँ। हाँ आज माँ आई है। माँ माँ, ओए तू तो कह रहा था बस तेरे पिता हैं, फिर ये माँ कब पैदा हुई? माँ बाप, ये मेरी मौसी है, और हमारे गांव में तो मौसी को माई समझे, और हमारे गांव में तो। महेश एक बात बता, तेरे ये सारे रिश्तेदार रात को क्यों आते हैं? वो दिन में भीड़ सी रह गए तो माँ को मतलब मौसी को कम दिखे, इस मारे छीड़ सी में आई है। तू ये बता, आज ना लग रही तुझे गर्मी ठंड? वो पा, एक दिन गर्मी लगे एक दिन ठंड लगे, तो एक दिन ठीक भी तो आवे। तेरा ना दोष, तेरा भी पेश ढीला और तेरे रिश्तेदारों का भी पेश ढीला। चिंता मत करे बुड्ढे, एडमिशन तो तेरा भी मेरे रिश्तेदारों में हो लिया। अरे यहाँ क्यों लेकर आई हो मुझे? सब कुछ जान गई हूँ मैं। सब कुछ? क्या सब कुछ? ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो। देखो तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा? तो चलो आओ मैं सब कुछ समझा दूंगी। अरे क्या समझाओगी?
से तुम नादान हो, चेहरे के चेहरे से अबे अनजान हो। आज भी आपके साथ घूम के आने में बहुत मजा आया। मैं अपनी जिंदगी के ये पल कभी नहीं भूल पाऊंगी। सच कहूं पिंकी, एक अरसे के बाद आज मैं बहुत खुश हूं, और उसकी वजह तुम हो। कौन किसका क्या है, कौन किसके साथ आ रहा है, कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसका पति है और कौन किसकी पत्नी है, किसको किसका ध्यान रखना चाहिए और कौन किसका ध्यान रख रहा है, कौन दामाद है कौन नौकर है, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा और तुझे कुछ पता चल रहा है और मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। देखो जी, महेश कितने मन से सफाई कर रहा है। सफाई ही तो कर रहा है ये। और हम सबका कितना ख्याल रखता है, टाइम से खाना देना, आपको दवाई भी टाइम से देना, हर समय काम पर लगा रहता है। इतना तो तब है जबकि हमारे दामाद जी का नौकर है, अगर इसे हम रख ले तो नाश हो जाएगा नाश, और नाश नहीं सत्यानाश हो जाएगा सत्यानाश। आप ऐसे ही कहते रहते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात सुन ले ध्यान से। आज के बाद उसकी तारीफ तो दूर, अगर तूने उसका नाम भी ले लिया तो तेरा नाम राम की तरह सत्या कर दूंगा। ऐसे क्यों कह रहे हो? एक बात मेरी और सुन ले ध्यान से, आज के बाद तू किसी का भी जिक्र नहीं करेगी इस घर में, ना तो वो दामाद दामाद है, ना वो नौकर नौकर है, ना बड़ी बेटी बड़ी है, ना छोटी बेटी छोटी है, सब सब के सब मिले हुए हैं, सबकी दालों में काला है, सारी दाल ही काली है,
तुम्हें तो डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे तो कभी कभी तुझ पर भी शक होता है। वो कौन सी सब्जी लानी है बता देते, बाजार जा रहा हूँ। बेटा आज तो शिमला मिर्च भर ले, देखा कितना ख्याल रखता है हमारे खाने का। मेरी बात सुन, तू जाकर मेरा बैग लेकर आ, मुझे वो जो नई जमीन खरीदी है ना फैक्ट्री के लिए, उसके कागजात करवाने हैं, जा। ये रखा ले लो। हाँ सुनो, इसमें बहुत पैसे हैं, दामाद जी को भी साथ ले लेते। मुझे आजकल किसी का यकीन नहीं है। चलो आज बुड्ढा बस लेने चाहिए। हाँ? आज तो बुड्ढा कुछ खतरे में लग रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है, ये जल्द ही नॉर्मल हो जाएंगे, चोटें ज्यादा गहरी नहीं है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, और उसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो मेरे को दोबारा बुला लेना। ठीक है डॉक्टर साहब, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, 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 कहाँ मैं? घबराइए मत, आप घर में ही हैं। हाँ पापा, हम सब यहीं पे हैं। मेरे ये पट्टियाँ। पापा जी आप आराम करिए, डॉक्टर भगवत ने आपको आराम करने के लिए कहा है, प्लीज लेट जाइए। मेरे तो सिर पर चोट लगी थी, मेरा बैग। पापा ये रहा पापा, ये रहा बैग, ये रहा। लेट जाइए आराम करो। पर मुझे तो गुंडों ने घेर लिया था। कहाँ है वो गुंडे? मुझे यहाँ कौन लाया? मैं बताती हूँ। बिल्लो, मैं महेश को कितना गलत समझता था, पर वो कितना अच्छा लड़का निकला। ये बातें तो मैं बहुत पहले से कह रही हूँ। देखा ना, आज उसने मेरी जान किस तरह बचाई, और नोटों से भरा हुआ बैग भी वापस कर दिया। कितना ईमानदार है वो, चाहता तो वो नोटों से भरा हुआ बैग भी लेकर जा सकता था। आपको नहीं पता, आप तो बेहोश थे,
जिस वक्त वो आपको यहाँ लाया था आपकी इस तरह से सेवा कर रहा था मानो कि आप ही उसके सगे बाप हो। बिल्कुल ठीक कह रही है तू, इतना तो शायद किसी का सगा बेटा भी नहीं करता आज के जमाने में। हाँ पापा। संजना जी, अब कैसी तबीयत है? अब बिल्कुल ठीक है संजना बेटे, वो महेश सारा दिन घर का काम करता रहता है, थक जाता है, तू उसके साथ थोड़ा बहुत हाथ बटा दिया कर। और सुन, पिंकी से भी कह देना कि वो भी उसके साथ कुछ काम करा दिया करे। ठीक है पापा। महेश आज मैं बहुत खुश हूँ, आज पापा ने तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी बातें की। पता है हर रोज की तरह गलत नजरिए की जगह पापा ने तुम्हारे बारे में काफी अच्छे नजरिए से बातें की हैं। हम बे बुड्ढे पे चढ़ा तो है कुछ रंग सा। आए हो गया सारा। मर गया दिखे फिर इसे यू टाइम मिले है आने का। तू? हाँ मैं। संजना तुम यहाँ क्यों आ गए? अगर वहां कमरे में कोई पहुंच गया तो? मैं तुम लोगों को ये बताने आया हूँ, अब आगे का हिसाब अपने आप संभालना। अभी मेरे दोस्त का फोन आया है, मेरी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पक्की हो गई है और मैं कल सुबह ही सुबह यहाँ से निकल जाऊंगा। अभी तो यार बुड्ढा खूड में आया है, अभी तो बात बनी है, ऐसे कैसे चला जाएगा तू? नहीं महेश, आज तो मुझे जाना ही होगा। मैं ही जानता हूँ इस दिन को देखने के लिए मैंने कितनी मेहनत की, कितने टेस्ट पास किए, आज तो मुझे जाना ही होगा। तुम हमें बीच में छोड़कर कैसे जा सकते हो? संजना जी, आप तो बहुत ही समझदार लड़की हैं, आप ही बताइए अगर मैं ना गया तो मेरा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। रोहित मैं मानती हूँ तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन एक बात तो सोचो, जिस काम के लिए हमने इतनी मेहनत की, इतना रिस्क लिया, आज जब वो काम होने जा रहा है तो हम उसे एकदम से कैसे छोड़ सकते हैं? काम की खातिर ना सही, लेकिन हमारी जिंदगी के लिए एक इंसानियत के नाते रुक जाओ। अब वैसे तो हम तुम्हें रोक नहीं सकते, लेकिन प्लीज रुक जाओ रोहित। देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, आज मुझे मेरी मंजिल मिल रही है और मैं इसे किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता। मैं सुबह होते ही यहां से चला जाऊंगा, यही बताना आया था तुम्हें। लो बाबूजी हल्दी वाला दूध पी लो, अब दर्द कैसा है? दर्द बिल्कुल ठीक है। जल्दी जल्दी ये दूध खत्म करो, आप बहुत जल्दी पहले जैसे हो जाओगे। महेश जी बात सुन जी, इधर बैठ, इधर इधर बेटे, यहाँ बेटे, यहाँ। ये बता बेटे, जब तू गांव में होता है तो क्या करता है? जी मैं अपने पिताजी गेल खेती करूं। अच्छा तो जमीन भी है तुम्हारी? हाँ जी 50-55 बीघे जमीन है। 50-55 बीघे जमीन, फिर तुम ये नौकरी क्यों कर रहे हो? अजी पैसे ही इंसान का मकसद थोड़ी ना हो है, और भी बहुत सारी बात हो है, और मैं ये काम पैसे की नहीं कर रहा, मैं तो मजबूरी में कर रहा हूँ। मजबूरी? ऐसी कैसी मजबूरी है वो? अजी मैं टाइम आने पे सब बता दूंगा, अभी थोड़ा सा मजबूर हूं। महेश एक बात सुन, सबको कह दो कि बाऊजी ने यहां बुलाया है, जा सबको बुलाकर ला। जी अभी। जा रहा है तू? बुड्ढा बुला रहा है, पहले नीचे चल। बुड्ढा? पापा जी मुझे क्यों, किस लिए? देखो तुमने मेरे बारे में तो कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल दिया ना, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा वहां पर। और देखो तुम कहते हो तो मैं रुक भी जाऊंगा यहां पर, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तू पहले नीचे आ जा एक बार।
महेश, पिताजी बुला रहे हैं सबे नीचे। पिंकी, बाबूजी बुला रहे हैं। माँ जी, बाबूजी बुला रहे हैं। अभी आ रही हूँ। बैठो इधर, बैठो। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आप सबको एक साथ इकट्ठा क्यों बुलाया। कोई खास बात होगी? हाँ, बिल्कुल खास बात है। जब से महेश इस घर में आया है, तब से मैं इसको लेकर बहुत परेशान हूँ। इसकी हरकतों ने मुझे बहुत दुखी किया है, लेकिन हाल ही की घटना ने मुझे बदल दिया है, और जो गांव वालों के प्रति मेरी सोच थी उसे भी बदल दिया है। महेश वास्तव में हीरा है, हीरा। इसीलिए मैंने काफी सोच विचार के बाद ये फैसला किया है कि महेश की शादी पिंकी के साथ कर दूं। पर पापा, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? दरवाजा खोलो, देखो तो कौन है। पिताजी, आप? ए, तू? भाई, तैने तो हद कर दी। आओ। नमस्कार। नमस्कार महेश, ये तुम्हारे पापा जी हैं? जी। जीती रहे बेटे, खुश रहे। बैठो जी। बहुत ही होनहार है लड़का तुम्हारा। हमारी बहुत सेवा की है इसने, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं इसे आपने। ये हमारे घर का नौकर नहीं, बिल्कुल मेरे बेटे जैसा लगने लगा है ये। वो तो ठीक है भाई साहब, जैसी भी परवरिश मेरे तो हुई मैंने करी। और महेश, तैने नौकरी की क्या जरूरत पड़ गई थी? तू यहाँ नौकरी क्यों करने लगा? आपको पता नहीं है कि ये हमारे दामाद जी का नौकर है? भाई साहब, मुझे तो बस इतना पता है अकयू 2-3 दिन की कह कर आया था। पर ये तो मुझसे कह रहा था कि इसका पूरा परिवार नौकर है। भाई, ये तो हद हो गई। बेटा खानदानी नौकर और बाप को पता ही नहीं। वाह, क्या बात है। आपका दूसरा बेटा भी तो आया था एक दिन रात में, और इसकी मौसी भी आई थी रात में। ये शुक्र है कि आप दिन में आए हो। लेकिन मुझे तो कह रहा था कि पिता के सिवाय मेरा और कोई नहीं है। ये यू बात तो यू बिल्कुल ठीक कह रहा है। यू मेरा इकलौता बेटा है, और अब तो इसकी मौसी को मरे भी कई साल हो लिए। महेश, यू मैं क्या सुन रहा भाई? तने क्या झूठ बोल रखा है इनके आगे? और क्यों तने अपने आप को खानदानी नौकर बता रखा? हम तो खानदानी जमींदार हैं। बल्कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तू इतना झूठ बोल सकता है। ओए महेश, मैं तो तुझे अपना दामाद बनाना चाहता था, पर तूने आज ये साबित कर दिया कि मैं बिल्कुल सही था। गांव वाले जालसाज, फ्रेबी और धोखेबाज होते हैं। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा मुंह तक नहीं देखना चाहता। पापा, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ कि ये एक नंबर का झूठा और मक्कार है। देखिए भाई साहब, आप कुछ भी कहिए, लेकिन मेरा लड़का है बहुत शरीफ और सच्चा। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। आप अपने लड़के को लेकर यहाँ से चले जाइए, वरना अच्छा नहीं होगा। चलो पिताजी, मैं आपकी बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे पहले आगे कुछ और कहें, मुझे सहन नहीं होगा। रुक जाओ महेश। पापा, महेश ने जो कुछ भी किया है मेरे कहने पर किया है, इसकी कोई गलती नहीं है। क्या? बेटी, ये क्या कह रही है तू? पर तुम दोनों ने यूं करा क्यों? वो पिताजी, बात ऐसी थी कि मैं और संजना आपस में प्यार करते थे। प्यार? पर संजना की शादी तो रोहित से हो चुकी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सच है पापा जी, संजना और मेरी शादी तो कभी
हुई नहीं। हे भगवान, लगता है मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा। संजना, क्या ये सब कुछ सच है? जी पापा। देखिए, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। संजना, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। आज तेरी वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही है। देखो भाई साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आदमी शहर का हो या गांव, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उसके अच्छे या बुरे होने से। गांव के लोगों में कुछ बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन गांव के लोग भोले भाले और संजीदा हुए हैं। बस दिक्कत ये है कि वो बातों को तोलते नहीं। पापा, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है। वैसे तो ये इसकी बहुत बड़ी गलती है, इन्होंने रिश्तों का मजाक बना दिया। लेकिन महेश का इसके प्रति प्यार देखकर मुझे लगता है कि हमारी संजना बहुत खुश रहेगी। पापा, महेश एक बहुत अच्छा लड़का है, इसने मुझे अपने बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया था। ये तू क्या कह रही है? पापा, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। पहले तो महेश का दीदी और रोहित के लिए व्यवहार देख के मुझे भी कुछ शक हुआ था, लेकिन जब बाद में मैंने महेश से जानना चाहा तो उसने पहले मुझे इधर उधर की बातें बताई, लेकिन पापा, बाद में मुझे महेश ने सब कुछ सच सच बता दिया। पापा, आप इन दोनों की शादी कर दीजिए। मुझे आपके निजी मामलों में बोलने का हक तो है नहीं, पर इतनी बात जरूर कहूंगा कि बच्चे अगर गलती करते हैं और उसका एहसास कर लें तो बस फिर हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए, और इसी में हमारा बड़प्पन है। रही बात इस रिश्ते की, तो इसमें हमें तो आपत्ति है नहीं, क्योंकि संजना बड़ी शरीफ और समझदार लड़की है। बाकी आप इसके पिता हो और इसका भला बुरा आप अच्छी तरह जानो। वैसे तो जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है कि संजना ने मुझसे झूठ बोला। इस बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि उसने जो लड़का चुना वो बेहद ही अच्छा है। उसने मेरी जिंदगी में भी बदलाव किया है, और मुझे पूरा यकीन है कि संजना उसके साथ हमेशा खुश रहेगी। पापा, वो एक बात और है। वो क्या? पापा, मैं और वो रोहित शादी तो नहीं की? जी नहीं। नहीं पापा जी, हमने कोई शादी वादी नहीं की, लेकिन ये सच है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और ये भी सच है कि मेरी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई है, और ये भी सच है कि मैं पिंकी को बेहद चाहता हूँ। अब आई मेरी बात सारी समझ में कि ये सब क्या हो रहा था। क्यों बार बार संजना महेश के कमरे में जाती थी, और क्यों बार बार पिंकी रोहित से मिलती थी? क्यों रात को चोरी छिपे खाना जाता था? क्यों बार बार गमले टूटते थे? अब मुझे सारी बात समझ में आई। भाई, ये तो हद हो गई। मेरे गांव में तेरा ना कार्ड कलेजा लेकर जाना, दिल को मेरे पागल कर गया। Sonodec Video.